हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की वीडियो क्लास में हम दो प्रकार की सांद्रताओं के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। पहली है मोलरता और दूसरी है मोललता। आज हम तीसरे प्रकार की सांद्रता के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी। तो देखिए जरा नॉर्मेलिटी क्या होती है। नॉर्मेलिटी निकालने का एक फॉर्मूला आता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला है विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। बेटा ये जो आयतन है ये लीटर में होना चाहिए, ध्यान दीजिए। तो विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ये उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। तो यहां से आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि एक लीटर विलयन में उपस्थित, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। देखिए यहां से यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो बेटा इसका मात्रक होगा, ऊपर ग्राम तुल्यांक है और नीचे विलयन का आयतन है, तो मात्रक होगा ग्राम तुल्यांक पर लीटर, या आप इसको कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलता के बारे में हमने पढ़ा कि एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, और इसका मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक पर लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नॉर्मलता का मात्रक बताइए, तो हम जवाब देंगे ग्राम तुल्यांक पर लीटर। चलिए अब इस फॉर्मूले को आप यहां से आगे भी बढ़ा सकते हैं। बेटा हम जानते हैं कि विलेय पदार्थ के जो ग्राम तुल्यांक है, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक निकालने का फॉर्मूला होता है कि विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांक की भार, विलेय पदार्थ का तुल्यांक की भार। यदि मान लीजिए विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा मैं स्मॉल डब्ल्यू से दिखाऊं और तुल्यांक की भार को मैं ई डब्ल्यू से दिखाता हूं, तो ये फॉर्मूला आप यहां अप्लाई कर दें, इसको जब आप पुट अप करोगे तो नॉर्मेलिटी एन बराबर फॉर्मूला बनेगा बेटा विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांक की भार इंटू विलयन का आयतन, और ये आयतन लीटर में होना चाहिए, क्लियर है। तो हमारा पहला नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला आ गया है बेटा कि ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांक की भार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। लेकिन ध्यान दीजिए यदि आयतन लीटर में ना देकर के एमएल में दिया जाए, एमएल में दिया गया हो, तो हम ऊपर हजार से गुणा करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा अपना ग्राम में मात्रा इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट तुल्यांक की भार गुणा बी एमएल, क्लियर है। तो यहां पर ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, इन फॉर्मूलों की सहायता से हम किसी भी विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें आयतन लीटर में दे रखा है तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, और यदि आयतन एमएल में दिया गया है तो हम ये नीचे वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन इस तरह की जो फॉर्मूले होते हैं बेटा, इनमें चार राशियां होती है, इन चार राशियों में से किन्हीं तीन राशियों के मान हमें देता है और चौथी अज्ञात राशि हमसे पूछ ली जाती है। अब इस फॉर्मूले में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है तुल्यांक की भार, हमें तुल्यांक की भार निकालना आना चाहिए। अब तक तो हम अनुभार से ही हमारा काम चल रहा था, लेकिन अब हमें तुल्यांक की भार निकालना है, क्लियर। तो देखिए तुल्यांक की भार निकालने से पहले हम नॉर्मलता के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो तुल्यांक की भार क्या होता है। तो विलयन के एक लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, और नॉर्मलता निकालने के लिए हमें तुल्यांक की भार निकालना आना चाहिए। ध्यान से देख लें एक बार,
फॉर्मूले को हम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए। तो चलिए बेटा, यदि हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें बेटा, तो देखिएगा ये जो नॉर्मलता होती है ये एक W बाई V प्रकार की सांद्रता है। कौन से प्रकार की सांद्रता होती है? W बाई V प्रकार की सांद्रता। तो चलिए नॉर्मलता के ऊपर हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें नॉर्मलता की, तो बेटा नंबर एक सबसे पहली बात कि जो नॉर्मलता होती है इसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? नंबर दो, नॉर्मलता W बाई V प्रकार की सांद्रता होती है। नॉर्मलता W बाई V प्रकार की सांद्रता होती है। नंबर तीन बेटा, यदि W बाई V प्रकार की सांद्रता है और हम जानते हैं कि इसमें आयतन का पद आता है, तो हम बताएंगे क्या यह ताप से प्रभावित होगी? तो हम कहेंगे कि जी हां, नॉर्मलता ताप से प्रभावित होती है। क्लियर है? और नंबर चार, इसका जो मात्रक होता है बेटा, मात्रक जैसा कि हम देख चुके हैं ग्राम तुल्यांक पर लीटर होता है। तो ये चार चीजें नॉर्मलता के बारे में हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, तो नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यह एक W बाई V प्रकार की सांद्रता होती है, ताप से प्रभावित होती है। और नंबर चार, ग्राम तुल्यांक पर लीटर इसका मात्रक होता है, या आप इसे कैपिटल N भी लगा सकते हैं। तो यह है नॉर्मलता के बारे में। चलिए अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि नॉर्मलता की यदि हम फॉर्मूले की बात करें, तो देखिए बेटा कैपिटल N बराबर फॉर्मूला था ग्रामीण मात्रा इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू विलियन का आयतन, ये ML में। तो यहाँ पर हम सारी चीजें हमें पता है, हमें एक चीज निकालना आना चाहिए और वो है तुल्यांक की भार। तो देखिए हम अब यही देखेंगे कि किसी पदार्थ का तुल्यांक की भार कैसे निकाला जाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा बोर्ड।